नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बेसिक मैथ की पार्ट थ्री, ठीक है, इसके पहले दो पार्ट हमने डाल चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। दोस्तों पार्ट वन और पार्ट टू में हमने कुछ बेसिक डिफिनेशन परिभाषाएं दिया, तो उसी के तत्व पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को आप आज करिए, ठीक है दोस्तों। आज एक क्वेश्चन है, देखिए आप कितने नंबर इन क्वेश्चनों पे ला रहे हैं, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन का सही आंसर आप दे पा रहे हैं, ये अपने आप में अजमाना है दोस्तों, यदि पार्ट वन और पार्ट टू आपने देखा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब भी किए हुए हैं और वो अनलाइक भी करते हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी अपना अनमोल समय दे करके अनलाइक करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाइक करते हैं उनके लिए तो बहुत ही धन्यवाद, लेकिन उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अनलाइक करते हैं, क्योंकि वो भी वीडियो देखते हैं तब तो अनलाइक करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल अंक कितने होते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, अंक कैसे होते हैं, जो सिंगल होते हैं, कहने का मतलब जीरो से नौ तक के संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अंक कहते हैं। जीरो से नौ तक के कुल अंक कहलाते हैं। तो इसके कुल अंकों की संख्या होती है दोस्तों 10। हम मार्क नहीं करेंगे दोस्तों, आप वीडियो जैसे रोक रोक कर, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पूरे, तो आप इन्हें अपने आप में देख सकते हैं कितने नंबर बन रहे हैं आपसे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 10। 10 अंक होते हैं जीरो से नौ तक। निम्न में से कौन सा संख्या नहीं है? संख्या दो अंकों से बनी होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला नंबर 9 है, केवल सिंगल डिजिट है, इसलिए यह क्या है, ये क्या है, अंक है, यह संख्या नहीं है, बाकी ये सभी क्या है, संख्या। इसका ऑप्शन नंबर ए मतलब इसका सही यानी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयुक्त संख्या है? दोस्तों हमने बताया था पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या मिलकर संयुक्त संख्या बनाती है, तो अब देखिए ये क्या है, भिन्न है, लेकिन ये संयुक्त भिन्न नहीं है, कहने का मतलब संयुक्त संख्या नहीं है। एक सही एक बटा दो, एक सही एक बटा दो विल बी योर आंसर दोस्तों, ये चौथा नंबर दो जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो आंसर क्या होगा, दो, ठीक है। एक, तीन, पांच, ये बिल्कुल नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, बिल्कुल मत सोचिए कि अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या दोस्तों, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, ठीक है, स्वयं और एक के अलावा। तो एक को तो ये परिभाषा सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, तीन और पांच भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन उससे भी छोटा दो है, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होता। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो देखिए दोस्तों, तीन अभाज्य किसी से विभाजित नहीं होता है, पांच अभाज्य किसी से विभाजित नहीं होता है, सात भी अभाज्य, लेकिन नौ जो है अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि नौ जो होता है तीन से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युग्म सह अभाज्य युग्म है? दोस्तों सह अभाज्य युग्म क्या है, को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनकी महत्तम संवर्तक एक हो तो सह अभाज्य युग्म कहलाता है। तो देखिए सह अभाज्य युग्म दो और चार, इसका यदि महत्तम संवर्तक देखिए दोस्तों, तो इसका महत्तम संवर्तक दो होगा, ठीक है, तो यह सह अभाज्य युग्म नहीं है। तीन और नौ, इसका महत्तम देखें तो तीन होगा, क्योंकि आप महत्तम संवर्तक निकाल सकते हैं, नहीं बनता होगा तो आगे हम बिल्कुल बताएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। चार और पांच, इसका महत्तम एक होगा, ठीक है। आठ और सोलह, इसका महत्तम आठ होगा। तो को प्राइम नंबर सह अभाज्य युग्म में क्या कहलाते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनकी महत्तम संवर्तक एक हो, तो चार और पांच का महत्तम संवर्तक एक होगा दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर तीसरा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युग्म सह अभाज्य युग्म नहीं है? अपोजिट सह अभाज्य युग्म नहीं है। देखिए दोस्तों, दो तीन, इसका एक होगा महत्तम संवर्तक, चार पांच, इसका भी महत्तम संवर्तक एक होगा, लेकिन इसका महत्तम संवर्तक छह होगा, ठीक है, तो ये जो है अभाज्य युग्म नहीं है दोस्तों। अगला होगा आपका क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या दोस्तों, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने बताया सबसे छोटी अभाज्य होगी दो, तो भाज्य संख्या दो को आपको टिक नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो होते हैं जल्दी जल्दी में जल्दबाजी में देखते हैं और आंसर लगा दे, क्योंकि दो दो से विभाजित हो रहा है, तो आपको समझना है भाज्य संख्या और सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा होती है जो दो से विभाजित हो, लेकिन भाज्य संख्या की परिभाषा नहीं होती जो दो से विभाजित हो, भाज्य संख्या की परिभाषा होती है जो स्वयं और एक से विभाजित होता है, ठीक है, वो अभाज्य, बाकी भाज्य तीन से विभाजित हो सकता है, पांच से भी हो सकता है, सात से भी, आठ भी, आठ से भी। तो यहां पर दोस्तों चार छह आठ ये सभी भाज्य हैं और ये अभाज्य है,
ठीक है, तो सबसे छोटी भाज संख्या 4 होगी, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, सबसे छोटी भाज संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। अगला दोस्तों, दोस्तों देखना है भिन्न अंक पहचानिए, भिन्न अंक निम्न से कौन सा भिन्न है, तो देखिए 2, 4, 6 सम है, 5 भिन्न है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि चौथा क्या होगा, 5 जो है क्या है, भिन्न है, तो भिन्न आपको देखना है, तो ये विषम होने के कारण इन तीन चारों में से भिन्न है। अब अगला दोस्तों, 2, 3, 5, 7 बिंदी बिंदी 11, 17 रिक्त स्थान भरिए, तो अब आप दिमाग लगाइए, चलिए ठीक है दोस्तों, इसको बताना है आपको, देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 3, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11, 17, इसमें क्या आ सकता है, 8 आ सकता है कि 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, चलिए आप बताइए। तो इसमें दोस्तों देखिए 2 क्या है अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य है, तो यहाँ अगला क्रम 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 भाज्य है, अगला क्रम होगा 11, क्योंकि 11 अभाज्य है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता हो कि आपसे बन रहा होगा, यदि नहीं बन रहा है, और यदि दोस्तों आपको लगता हो सर बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, तो दोस्तों मैं सभी बच्चों को लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो 9th में है, जो 10th में भी है, जो 11th में भी है, और जो 12th में भी है, और जो 12th क्रॉस भी कर चुके हैं, लेकिन उनसे मैथ बिल्कुल नहीं आता, जैसे जो 11th से बायो ले लेती हैं, उनका मैथ थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो उनको भी मैथ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे देखते हैं दोस्तों रेलवे की वैकेंसी आती है, उसमें भी मैथ लगता है, किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो सब में दोस्तों मैथ की जरूरत होती है, 20 नंबर, 25 नंबर, 35 ऐसे मैथ आता है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल एक बच्चे को लेकर चलना है दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि जो भी पढ़े उन्हें सीधा समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी पार्ट उठा के देखे उन्हें सीधा समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा गहराई से लेकर चलता हूँ। अगर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप हर वीडियो देखें, हर वीडियो देखने से क्या होगा, आपकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और आपको हमारी भाषा समझ में आएगी, और आप क्या होगा अच्छे गणित सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे छोटी विषम संख्या, अब बताइए विषम संख्या, विषम संख्या सबसे छोटी तो आपसे बनता होगा, विषम संख्या क्या है जो 2 से विभाजित न हो, सिंपल सा एक ही होगा आंसर, ठीक है इसका पहला आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, सबको तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जुड़वा अभाज्य है, दोस्तों परिभाषा बता दें हम जुड़वा अभाज्य की, ऐसे दो अभाज्य जिनका अंतर 2 हो, ऐसे दो अभाज्य जिनके बीच का अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य कहलाता है, बस आप आंसर पा जाएंगे, ऐसे दो अभाज्य जिनके जुड़वाओं का अंतर कितना हो दोस्तों, क्या हो 2 हो तो जुड़वा अभाज्य कहलाते हैं, जिस 2, 3 के बीच है नहीं, 7, 11 के बीच है नहीं, 5, 7 के बीच है नहीं, और सॉरी 5, 7 के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 7। अगला थोड़ा दोस्तों यहाँ पर जो चमकदार पेन है ना, थोड़ा यहाँ पर लाइट मार दिया इसलिए नहीं दिख रहा है, तो यह 17 और 23 है, ठीक है आप 17 और 23 लिख लीजिए, ये क्या है 17 और 23, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 7, क्योंकि 5 और 7 दोनों अभाज्य है, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है 2 है, तो जुड़वा अभाज्य है। निम्न में से कौन सा जुड़वा अभाज्य नहीं है, अब इसको देखिए कौन सा जुड़वा अभाज्य नहीं है, अपोजिट है, 3, 5 का अंतर 2 है, 5, 7 का अंतर 2 है, 11, 13 का अंतर 2 है, लेकिन 23, 17 का अंतर 2 नहीं है, 23, 17 का अंतर 2 नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 23 और 17। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्थानीय मान से है कि यहाँ पर 6, 8, 7, 5, 0, 2 में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान बताया था दोस्तों जिस अंक में है, तो अंक बाकी जितने अंकों तो 0 लगा देना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, तो इसका स्थानीय मान 7 और 3 0 लगा देंगे तो 7000 हो जाएगा। अगला अंक अगला क्वेश्चन दोस्तों अंकित मान निकालना है, 6, 8, 7, 5, 0 कहने का मतलब 6,87,502 में 7 का अंकित मान, तो अंकित मान वही होता है दोस्तों, अंकित मान वही होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो अंकित मान इसका 7 ही होगा, तो एक ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको, फिर अगला वीडियो दोस्तों क्लीन रहेगा। ठीक है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, दोस्तों परिमेय संख्या हमने क्या बताया था, जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए 63, 63 पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता, 61 नहीं, क्यों, क्योंकि अंडर रूट से बाहर नहीं होगा दोस्तों, याद रखना है अंडर रूट लगा भले, लेकिन यदि वो बाहर आ रहा है तो परिमेय संख्या, जैसे 49, 49, 7, 49 इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा, और 7/1 लिख सकते हैं, इसलिए इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या, ये नहीं है बिल्कुल नहीं है, 50 तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन 49 है। ठीक है अगला क्वेश्चन, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, सेम अपोजिट देखिए नहीं है बात कर रहे हैं, 16 अंडर रूट से बाहर आ रहा, 27 27 हो रहा दोस्तों, 81 इसको दोस्तों थोड़ा सा सुधार लें, क्वेश्चन ये 25 था,
ठीक है, तो इसका 5 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ जा रहे हैं तो परिमेय संख्या हैं, जो अंडर रूट से बाहर नहीं आते वो परिमेय संख्या नहीं है। तो ये अंडर रूट 23 जो परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाई एक है, क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तो अपरिमेय संख्या, इसे सीधे आप याद कर लें। पाई क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, तो बताइए कौन सी प्राकृत संख्या नहीं। तो आपको पता है ना, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या, लेकिन माइनस एक जो है प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर, मतलब एक नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों तो 0 होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। इस प्रकार दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन तो होंगे दोस्तों, नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स में बिल्कुल क्वेश्चन भी लिखते चलें, क्योंकि आप यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आप समझेंगे कैसे, पेपर में आएगा कैसे। ये दोस्तों मैं खुद बना के इन क्वेश्चनों को यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि मैंने कई इंट्रेंस एग्जाम भी दिया है और तैयारी भी करता हूँ मैं, ठीक है, और पढ़ाता भी हूँ, तो ये मेरा खुद का अनुभव है। और प्लस दोस्तों आप जैसे भी क्वेश्चन, जैसे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों का आंसर, तो मैं भी उनका भी आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आज ये वीडियो मैंने बना रखा है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में प्रॉब्लम ही हो जाती है कि लाइट नहीं रहता तो वीडियो कैसे बनाए, क्योंकि मोबाइल में चार्ज ही नहीं रहती है, चार्ज कहीं ना कहीं से 2-4% करते हैं केवल देखने के लिए कि बात हो सके किसी से, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और वीडियो में कुछ भी लिखने में थोड़ा बहुत त्रुटि हो इसके लिए भी माफी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग अनलाइक कर देते हैं, कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिसको पसंद नहीं आएगा तो अनलाइक तो करेगा ही। मैं अपने आप से भरसक प्रयास करता हूँ, पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।